हेलो दोस्तों, आज मैं अपने घर में भेज पुलाव बनाने जा रही हूँ। उसका रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले ये देखिए, सोयाबीन हम ले लिए हैं। अब मैं गोभी को कट करूँगी, छोटा छोटा पीस में गोभी को कट करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं कट करेंगे। इसका डंठल हम हटा देंगे। अब देखिए, मेरा गोभी कट हो गया है। अब गाजर को कट करूंगी, छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। अब देखिए, मेरा गाजर कट हो गया है। अब मैं एक प्याज काटूंगी। लंबे लंबे स्लाइस में इसको कट करेंगे। अब मेरा प्याज भी कट हो चुका है। अब मैं एक शिमला मिर्च कट करूंगी। पहले से ही इसका बीज उज हम निकाल दिए हैं, ये भी ज़्यादा मोटा टुकड़ा नहीं करेंगे। देखिए, मेरा छोटा टुकड़ा में शिमला भी कट हो गया है। अब मैं एक आलू कट करूंगी। ये भी छोटे छोटे टुकड़े में कट करूंगी। देखिए, मेरा आलू कट हो गया है। अब 1 इंच टुकड़ा लंबे स्लाइस में इसको काट लेंगे, आधी का टुकड़ा पतला पतला करके काट लेंगे। ये भेज पुलाव का मेरा सामग्री तैयार हो गया। अब इस कटोरी से हम 2 कटोरी चावल लेंगे 3 आदमी के लिए। ये छोटा कटोरी है, पहले से कटोरी हम रख लिए हैं इसमें। अब इसको हम धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे। साफ़ करके 5 मिनट के लिए पानी में ही भिंगो के छोड़ देंगे। देखिए, चावल को धो के हम 5 मिनट के लिए रख दिए हैं भिंगा के। अब हम सब्जी को मैरिनेट कर लेंगे। पहले इसमें हम सोया बड़ी डालेंगे, इसके बाद ये कटा हुआ आलू डाल देंगे और ये शिमला मिर्च डाल देंगे, ये फूल गोभी डाल देंगे और ये लास्ट में गाजर डाल देंगे। इसमें छोटा चम्मच थोड़ा सा नमक, स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब चावल में हम नमक नहीं डालेंगे, इसी में डायरेक्ट नमक डाल रहे हैं। जो भी मसाला होगा इसी में डालेंगे हम। 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर,
और थोड़ा 4 चम्मच इसमें हम दही डालेंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, फिर इसको मिक्स कर लेंगे। इसको भी 5 से 7 मिनट के लिए रखेंगे, तब तक हम अपना कुकर चढ़ाएंगे। मेरा कुकर अब गर्म हो गया है, इसमें देसी घी 1 बड़ा चम्मच डालेंगे। ये घी में ही बिल्कुल बनाएंगे, इसमें तेल का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद 1 चम्मच भर के जीरा डालेंगे, इसमें थोड़ा जीरा ज़्यादा पड़ेगा। इसके बाद ये खड़ा गरम मसाला है, 1 बड़ा इलायची, ये 2 लौंग, 2 छोटी इलायची और 1 इंच का इलायची का ये दालचीनी का टुकड़ा और ये शाही जीरा है, डाल देंगे। थोड़ा सा हरा मिर्चा भी डाल देंगे और ये जो आधे काटे थे उसको डाल देंगे। ये 10 से 15 काजू डाल रहे हैं, इसी में थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। और ये तेज पत्ता है 2 ठो। अब इसको थोड़ा सा काजू को फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसी में प्याज डाल देंगे। देखिए मेरा प्याज गोल्डन हो गया है। अब इसमें हम मैरिनेट किया हुआ सब्जी डाल देंगे, मैरिनेट किया हुआ हम सब्जी डाल देंगे। इसको 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे मीडियम आंच पर। अब देखिए मेरा सब्जी हल्का सा फ्राई हो गया है, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब इसमें हम राइस को डाल देंगे। देखिए अब इसको हम अच्छे से 1 मिनट के लिए चला लेंगे। ये सिंपल सा बहुत जल्द बनने वाला भेज पुलाव है। अब हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे ताकि चावल खिला खिला सा हो। ये बहुत झटपट बनने वाला रेसिपी है। देखिए जिस कटोरी से हम चावल लिए थे उसी कटोरी से हम 2 कटोरी चावल लिए थे, तो 3 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा हम पानी डालेंगे। 2 कटोरी हो गया मेरा, 3रा कटोरी और इतना पानी और डाल देंगे ताकि मेरा चावल एकदम खिला खिला सा बने और अच्छा बने। ये मेरा भेज पुलाव
हो गया। अब इसका ढक्कन हम लगा देंगे। इसमें नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक पहले सब्जी में डाल चुके हैं। अब इसको एक सीटी आने तक छोड़ देंगे तेज आंच पर। एक सीटी मेरा मार दिया। अब इसको प्रेशर ख़त्म होने तक हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं प्रेशर निकलने के बाद मेरा पुलाव कैसा हुआ है। देखिए बिल्कुल खिला खिला सा। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेके सर्व कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर मेरा घर का बना हुआ भेज पुलाव बनके तैयार हो गया। अब खाने के लिए रेडी। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।